नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं हूं आदित्य झा। अरविंद केजरीवाल के काम को लेकर के काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि वो बार बार सेंटर से डिमांड करते हैं, सेंटर को कहीं ना कहीं बार बार कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उन पर ब्लेम करते हैं कि वो उनकी मदद नहीं कर रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जब बात चल रही थी तो वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें इनफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जब मोदी सरकार ने ऑडिट करने के लिए कहा और बताया कि किस तरीके से एलोकेशन होगा, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भरपाई हो चुकी है और अब उन्हें और वेंटिलेटर बेड्स चाहिए। लेकिन अब जो एक नई बात आ रही है सामने वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने मई में ही यह घोषणा की थी कि जितने जो गरीब हैं उन्हें फ्री में राशन दिया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड है, 72 लाख लोग ऐसे दिल्ली में थे जिनके पास राशन कार्ड था, तो उन्हें तो दिया ही जाएगा, लेकिन 20 लाख ऐसे भी गरीब थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें भी राशन मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन अब एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी वो लोग बिना राशन के तड़प रहे हैं, अभी भी वह राह देख रहे हैं कि कब उनके पास राशन आएगा। फिलहाल वो तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं, जैसे कि एक दिल्ली रोजी रोटी अभियान कल्याण है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बार बार ही अरविंद केजरीवाल का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है कि साहब आपने एक महीने पहले यह अनाउंसमेंट कर दिया था, जबकि ऐसा कोई भी जो है आपका राशन मिल नहीं रहा है लोगों को और लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि लॉकडाउन में कई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है अब, और तो उनका पूरा भरोसा जो है वो सरकार पे था, लेकिन अब सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। तो उन्हें कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें की भीख भी मांगना पड़ रहा है, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर थे, उनकी डेली कमाई होती थी, सेविंग नाम की चीज़ उनके पास नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल को देखना होगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ठीक काम किया उन्होंने कोविड में, लेकिन एडवर्टाइजिंग में जितना ध्यान दे रहे हैं बार हर दिन टीवी पे ना आकर के, अगर वो इन गरीबों पर भी थोड़ा ध्यान दे देते। आखिरकार उन्होंने ये प्रॉमिस किया उनसे कि इन्हें बोलने नहीं गए थे कि आपको 72 लाख 90 लाख लोगों को राशन देना, लेकिन उन्होंने खुद जब यह पहल ली थी तो लोगों में एक उम्मीद जगती है, तो उसे उम्मीद को अरविंद केजरीवाल को जिंदा रखना चाहिए और उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आप देख रहे थे कंट्री इनसाइड न्यूज़, मैं हूँ आदित्य झा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।